अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रिपल लेयर चिकन पिज़्ज़ा सैंडविच, और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपने इसे एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेज में ये फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है हाफ कप गोभी, हाफ शिमला मिर्च, हाफ कप मेयोनीज, और इसी के साथ शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर, क्वार्टर टीस्पून नमक, और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर वेज मेयो फिलिंग बनके तैयार है, तो हम इसे रखते हैं साइड पे। सेकंड स्टेप में ब्रेड के एजेस को हमने कट करना है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप इसे कट ना करना चाहें तो आप नहीं करिए। ब्रेड एजेस को कट कर लिया है, अब हम बनाते हैं सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप केचप, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, थाइम, और इन तीनों चीज़ों को आपने डालने के बाद मिक्स करना है। और यहाँ पर ये इंस्टेंट हमारी सॉस बन के तैयार है। सॉस एंड फिलिंग तैयार है, तो अब हम करते हैं असेंबलिंग। सैंडविचेस की तीन लेयर होंगी, तो सबसे पहली लेयर पर हम लगाएंगे इंस्टेंट सॉस, और दूसरी स्लाइस पर लगाएंगे वेज मेयो फिलिंग। फिलिंग को आपने अच्छे से स्प्रेड करना है इवनली, और फिर सॉस और फिलिंग वाली स्लाइसेस को आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है बिल्कुल ऐसी। और जो थर्ड स्लाइस है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले सॉस ऐड करनी है। अब मैं इसके ऊपर चिकन तंदूरी शामिल कर दूंगी, आप चाहें तो चिकन टिक्का भी शामिल कर सकते हैं, और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तमाम स्लाइसिस में मैंने चिकन ऐड कर दी है, और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे चेडर एंड मोजरेला चीज़। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम स्लाइसेस पे चीज़ ऐड कर दी है, और अब हम ये करेंगे कि जो हमने सॉस और फिलिंग वाली साइड तैयार करके रखी थी, वो इस स्लाइस के बिल्कुल ऊपर रख देंगे। और स्लाइस पर रखने से पहले हमने दोबारा से सॉस लगानी है, और फिर इसे इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने सैंडविचेस तैयार करने हैं, और टॉप पर आपने फिर मेयोनीज लगाना है, चीज़ स्लाइस लगाना है, और फिर इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने ऐड किया है प्याज, शिमला एंड ऑलिव्स। मैं दोनों चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो येलो ले लीजिए या फिर वाइट, आपकी चॉइस पर है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ लास्ट वाला मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। तो मेयोनीज ऐड करनी है, फिर आपने सॉस ऐड करनी है, और फिर इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड करना है। तो गर्मियाँ बहुत है, तो चीज़ स्लाइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉप स्लाइस पर वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ऑरिगैनो, थाइम और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो देखिए ट्रिपल लेयर पिज़्ज़ा सैंडविचेस बन के तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बट मैं इसे बेक करूंगी अपनी होममेड ओवन यानी कि पतीली के अंदर। और पतीली को आपने पहले से गर्म करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने पतीली ली है, इसके ऊपर एक स्टैंड रख लिया है, और फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख ली है। पतीले को 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपने प्रीहीट करना है, और यहाँ पर 10 मिनट के बाद अब हम एक सैंडविच लेंगे और इसे प्लेट में रख देंगे, और इसे 10-15 मिनट स्लो फ्लेम पर आपने इसे बेक करना है, और इसे अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि एयर बाहर के बिल्कुल भी अंदर ना जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट लगे हैं और चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ निकालिएगा क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल तैयार है, और इसी तरीके से बाकी के तमाम सैंडविचेस आपने तैयार कर लेने हैं। ओवन टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर के लेयर्स कितनी मज़ेदार लग रही हैं। आप इसे सिंपली केचप या फिर किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और देखिए ये अंदर से कितनी मज़ेदार लग रही है। फाइनली ट्रिपल लेयर पिज़्ज़ा सैंडविच बन के तैयार है, तो आप इसे बनाइए और ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक लास्ट में शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।